किशोर और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पहलानी में यमुना नदी में गिरा ट्रक, ट्रक में फंसे लोगों की तलाश में छुटे गोताखोर, एक शव हुआ बरामद। पहलानी के कलोली बारा पांटून पुल में धान से भरा ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए यमुना नदी में जा गिरा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के सहारे एक शव को बाहर निकाला, जबकि ट्रक व उसमें फंसे लोगों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया है। बांदा की ओर से धान से भरा एक ट्रक गलोली होते हुए जाफरगंज फतेहपुर जा रहा था, तभी पांटून पुल में ट्रक नियंत्रण होकर रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में नीचे जा गिरा। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह एवं सीओ सदर जाफरगंज संजय सिंह व नायब तहसीलदार कमलेश यादव मौके पर पहुंचे। यहां गोताखोरों को लगाकर ट्रक में फंसे लोगों को ढूंढने की काफ़ी मशक्कत की। इस दौरान सिर्फ लेकिन ट्रक न मिलने पर सीओ सिटी व सीओ जाफरगंज ने SDRF को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक तिनवारी अर्जुन सिंह ने अधिकारियों को बताया कि यदि दो पीपे को हटा दिया जाए तो नीचे फंसे ट्रक को आसानी से निकाला जा सकता है। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? बलदेव सिंह। कहाँ के हैं रहने वाले? वे किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं आप? यहाँ जाम लगा है। अच्छा, क्या कारण है जाम का? मेला पड़ गया है कोई यहाँ पे। अच्छा, किस जगह पलटा हुआ है? किस गाँव में? 12। क्या लगता है कितने लोग सवार? ये बीती रात एक धान लदा ट्रक स्कूल से ले जाने का चालक द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें वो ट्रक जो है पीपे के लोड बर्दाश्त न कर पाने के कारण बाईं तरफ की रेलिंग टूट जाने से वो पलट गया नदी।